नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला, सिरमौर से राम गरीब वनवासी पूर्व विधायक को प्रत्याशी बनाकर। इस इलाके में आदिवासी वोट बैंक पर सारी पार्टियों की नजर थी, लेकिन बाजी मारी कांग्रेस ने। माना जा सकता है राम गरीब का टिकट सिरमौर के अलावा कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगा बाकी सारी विधानसभा में। हमने राम गरीब वनवासी से बात की, उनका कहना था मैं सिरमौर सीट नहीं इलाके की सारी सीट जीतने के लिए प्रत्याशी बनाया गया हूं। सुनिए राम गरीब वनवासी ने क्या कुछ कहा। देखे रीवा रियासत की के विरोध में मेरे को नहीं लड़ाया गया, मेरे को तो बिंड में बीजेपी के विचारधारा के विरोध में उसको खत्म करने के लिए लड़ाया गया है। और जब पार्टी के द्वारा सर्वे किया जा रहा था कौन जिताऊ कैंडिडेट, तो बहुत से सारे जिताऊ कैंडिडेटों का हर दल से लोग आए, नाम आया, लेकिन बिंड में मेरा नाम ये कैसे आया कि राम गरीब वनवासी को अगर कांग्रेस के सिरमौर विधानसभा से टिकट दे दिया जाए तो सारे बिंड की सीटें कांग्रेस जीत जाएगी। इसलिए मेरा जो सर्वे हुआ है तो मेरा सर्वे इसलिए नहीं हुआ आप लोगों जैसे जनता की आवाज के कारण, जनता की आवाज के सर्वे के आधार पर मुझे सिरमौर विधानसभा से, तो मैं जिस दिन टिकट जीती मिली थी उसी दिन कमलनाथ ने कहा कि क्या आप जीतेंगे, हमने कहा मैं तो जिस दिन टिकट फाइनल हो गई उसी दिन जीत गया और रह गया बिंड जिताना, तो मैं सारे बिंड के कांग्रेस की सीटों को जिताऊंगा और इस प्रकार से सीट की बढ़त बनाऊंगा कि कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी के लोग जब कांग्रेस की सरकार, जनता की सरकार बन जाती है, लोकतंत्र की जनता इनको नकार देती है, तो फिर लोकतंत्र का पालन नहीं करते, उस सरकार को, जनता की सरकार को नहीं मानते, ये विधायक चुराते हैं। इस बार इतना ज़्यादा विधायक बनाएंगे हम बिंद से कि अगर बीजेपी के लोग विधायक चुराएंगे भी या तो इतने बड़े विधायक होंगे विचारधारक के कि वो चोरी में उठेंगे नहीं, अगर उठा भी ले जाते हैं दो चार तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।